लोग कहते हैं हम फला को कब्रिस्तान उतार के आए हैं, नहीं तू किसी को लेके नहीं गया बल्कि मुर्दा तेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान तक तुझे लेकर के गया है। तुमने उसको उसका घर नहीं दिखाया बल्कि उसने तुमको तुम्हारा घर दिखाया है। और ये काता नादान, आज जहां मुझे लेकर के आए हो कल लोग तुम्हें इसी दरवाजे पर लेकर के आएंगे और इसी जगह पे तुम्हें उतार देंगे। वो मंजर कितना अजीब होता है, साकिब आज मूंछ का झगड़ा है, किसी का नाक का झगड़ा है, कोई अपने को माफ करने को तैयार नहीं है, किसी को गुनाहों का मुहासबा करने का मौका नहीं मिलता है, किसी को वक्त नहीं मिलता कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आकर के बैठ जाया करे। मैं पूछना चाहता हूँ, कायनात में कोई मुस्तफा से ज्यादा मेहरबान हो तो दिखा दो, कोई आका से बड़ा करीब हो तो ला करके दिखा दो, कोई मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा हमारे काम आने वाला हो तो ला करके दिखाओ। उठाओ मरने वालों की तारीखें, आज अकल करके चलते हैं, नहा करके घंटों आईनों के आगे खड़े रहते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो वक्त भी तो याद कर लिया करो जिस दिन मौत आकर के आपके गले पे हाथ रखेगी और एक लम्हा आपको मौका नहीं देगी। जब रूह निकल जाएगी तो वो बदन जो अकड़ा करता था, जो कहता था मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, आज बेसुध बिस्तर पे पड़ा है, मक्खियां भी दूसरे उड़ा रहे हैं, चादर भी कोई और डाल रहा है। जब गुस्ल की बारी आती है तो साकिब जब जिंदा थे तो अपने हाथ से कई कई घंटे तक पानी के अंदर रह करके साबुन से बदन रगड़ा करते थे, लेकिन आज मौत ने इतना लाचार कर दिया है कि अपने बदन पे साबुन लगाना तो बड़ी बात है, अपने हाथ से पानी तक नहीं डाल सकते हो, आज अपना पर्दा भी खुद नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ साहिब, ये अकड़ किस लिए है? ये जिंदगी के अंदर घमंड कब तक का है? एक दिन मौत ऐसा थक्का देगी कि सारे घमंड और अकल निकल करके रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखो मरने वालों की, जब मौत आया करती है तो इंसान फिर लाचार हो जाता है, न कुछ करने का न धरने का, फिर पानी डालने वाला और है, बदन मसलने वाला और है, चार खड़े होके कहते इधर से पानी डालो, कोई कहता ये हिस्सा सूखा रह गया है, आज तुझे अपना बदन भी नजर नहीं आ रहा है, तेरे बदन को बताने वाले भी दूसरे हैं, कुछ लोग आए पैर अंगूठे बांध दिए कहीं इसके पैर टेढ़े ना हो जाएं, किसी ने कहा चेहरे पे कपड़ा लपेट दो कहीं चेहरे का इसका मुंह का जुग्राफिया ना बदल जाए, आज तो तेरा अपनी मर्जी से मुंह भी बंद नहीं हो रहा है, कपड़े के जरिए बदन रोका जा रहा है, धागे के जरिए तेरे पैर रोके जा रहे हैं, फिर अकड़ता किस बात पर है, बिगड़ता किस बात पर है, घमंड किस चीज का है? क्या मौत नहीं आनी है? क्या तुझे इस तख्ते पे नहीं लेटना है? फिर बदन पे सफेद कपड़ा पहना दिया गया जिसे दुनिया कफन कहती है, आज जमाने के अंदर चला करते हो तो कहा करते हो वो मेरे सामने नहीं आ सकता, वो उसकी हैसियत नहीं मेरे सामने खड़ा हो जाए। सोच तो सही, जिसकी तू कल बातें किया करता था कि इसकी हैसियत सामने आने की नहीं है, आज वही तेरे जनाजे को कांधा दे रहा है, आज वो तुझे उठा करके लेकर के जा रहा है, आज तेरे वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि अपने आखिरी घर की तरफ उससे जा सके। अल्लाह अकबर, तू जमाने में अकड़ता रहा, मौत ने तुझे सीने से क्या लगाया, चार कांधों पे लेकर के तुझे गए हैं और मिट्टी के ढेरों के नीचे तुझे दफनाया गया है। तो वही अकरबा, वही भाई, वही दोस्त, वही अहबाब जो कहते थे कदम कदम पे साथ निभाएंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, आज कहते हैं ये सुराख रह गया है इसे भी बंद कर दो, आखिरी तख्ता भी लगा दो, जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी, आज कहते हैं सही से बंद कर देना, कोई सुराख बाकी न रह जाए। साकिब जरा गौर तो करो, कल जो साथ जीने मरने की कसमें खाते थे आज तेरे ऊपर मिट्टी डाल करके जा रहे हैं, कोई एक लम्हा तेरे पास ठहरने के लिए तैयार नहीं है, जब तुझे कब्र के अंदर डाला है मनो मिट्टी तेरे बदन पे डाल दी गई है, कोई सुराख न छोड़ा गया, साकिब कब्र का अंधेरा है, फिर उजाला कहां से लाओगे, आज कई कई लाइटों का इंतजाम है, तब भी कहते घर में अच्छा नहीं लगता है, घर में जब तक दूसरे ना हो दिल नहीं लगता है, साकिब उजाले में तनहा दिल नहीं लगता, तो फिर कब्र तो अंधेरा है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, कोई साथ बटाने वाला भी नहीं है, कोई हिम्मत बनाने वाला भी नहीं है। साकिब आ, अब मेरी बात को गौर से सुन लो, जब ये दुनिया वाले मनो मिट्टी डाल के चले जाएंगे कोई सीने से लगाने वाला ना होगा, खुदा की कसम ऐसी तन्हाई में तेरे डर को दूर करने के लिए, तेरी मुसीबतों को मिटाने के लिए अगर सबसे पहले कोई तेरी कब्र में आएगा तो वो कोई और नहीं होगा बल्कि हसनैन का नाना होगा, फातिमा का बाबा होगा, मुस्तफा जाने रहमत होंगे, इधर चेहरे से कफन हटेगा उधर मुस्तफा रुख से चिलमन हटाएंगे और फरिश्ते भी कहेंगे मुबारक हो नसीबों वाला है, आज तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर हो गया। नारे तकबीर, जबरन नवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे उनके साथ।
ये मेरे मुस्तफा का करम नहीं तो और क्या है। किसी ने कहा था आ गए कब्र में भी छुड़वाना, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अल्लाह अकबर, वो तो अपने उम्मती को कब्र में भी तनहा न छोड़ते। तो शागिर्द हम कितने बेवफा हैं कि हमारी बस्ती में मुस्तफा की बातें हो और हम बिस्तर पे लेटे रहे। क्या तुमसे मुस्तफा को प्यार नहीं है या तुम्हें मुस्तफा से प्यार नहीं है? माना कि ये साले सवाब की महफिल हाजी नजीर हुसैन की थी, लेकिन बातें तो मदीने वाले मुस्तफा की हैं, बातें तो सारी सरकार की हैं। अगर तुझे मुस्तफा से प्यार था, आंखें बंद करके उठ जाया कर और कह दिया कर यार हवेली किसी की भी हो, बातें तो मदीने की होने वाली हैं। ये इश्क का तकाजा है। आज मेरा ईमान कहता है नबी की हदीस के मुताबिक, आका करीम इरशाद फरमाते हैं जब तुम किसी मरने वाले को कब्र में दफना के आते हो ना, तो उसकी मिसाल मुस्तफा फरमाते हैं कल गरीकिल मुतगव्विस, ऐसे शख्स की तरह है जो समंदर में डूब रहा हो और गोते खा रहा है। जिसे तुमने कब्र में उतारा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे समंदर में डूबने वाला इंसान गोते खाता हो। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सफेद बालों वाले तजर्बाकार लोग हैं, सब जानते हैं जब बंदर डूबता है तो हर तरफ हाथ मारता है। जी बेशक, अगर एक घास का तिनका हाथ आ जाए तो उसके सहारे से किनारे लगना चाहता है। ऐसे ही होता है ना, किसी ने कहा था डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये बात समझ में आ रही ना मेरी? आका फरमाते तो कब्र में दफन होने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि डूबने वाले की मिसाल, वो गोते खाता है हाथ मारता है। फरमाया गया जब बंदे को दफनाया जाता है अगर उसके अमाल अच्छे नहीं होते तो उसके पैरों में आग की बेड़ियां लगाई जाती है। आग की बेड़ियां उसके पैरों में, पूरी कब्र को आग का संदूक बना दिया जाता है। फिर फरमाया मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फिर कोई उसका चाहने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला, चाहे उसका बेटा हो, उसका दोस्त हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो, फरमाया जब वो उसके हक में हाथ उठाते और हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, फरमाया गया अचानक उसकी कब्र में नूर आ जाता है। नूर आता है उसकी कब्र में और रोशनी की रोशनी। फिर वो कहता है फरिश्तों बताओ तो सही, जब मुझे दफनाया गया तो अंधेरा था, जब मैं पापा था मेरे सर पे तो गुनाहों की गठरी थी, मेरे अमल का मामला तो ये कब्र को आग का संदूक बनाया गया, अचानक ये ठंडी हवाएं किधर से आ रही हैं और मेरे पैर की बोड़ी बेड़ियां क्यों खुल गई, ये नूर के झोंके कब्र में किधर से आ रहे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो आज तेरे बेटे ने मुस्तफा के जिक्र की महफिल आबाद कर रखी है। किस्मत वाले होते हैं वो बाप जिनको औलाद ऐसी मिलती है कि मरने के बाद उनके इशारे सवाब की महफिलें मुकर्रर करें। हाँ, वरना हमने तो देखा लोग सिर्फ लकीर पीटा करते हैं, 40वें भगोने बन जाएंगे 40-40। वो इसलिए कि कल रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, अहबाब आ रहे हैं, उन्हें खिलाना भाई, दिखाना, पता चलना चाहिए आजादी के बेटे ने इंतजाम करा। दुनिया कहेगी हाजी जी के बेटे ने सिर्फ 40वें के दिन का खाना नहीं किया बल्कि रात को मुस्तफा के नाम के तराने की भी महफिल आबाद की। हाँ हाँ, तो ये मिजाज है हम लोगों के। तो साहिब मरने वाले के लिए ये बड़ी बरकत की बातें हैं कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल आबाद हो। लोग हमसे कहते हैं बड़ा ताज्जुब का मामला यार सुन्नियों में, बेटा पैदा हो तब मिलाद होती है, कोई मर जाए तब मिलाद होती है, हर जगह मिलाद ही मिलाद। हम सीधी सी बात कहते हैं, हम अपना एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। उसूल ये है, हमें खुशी मिलती है तब भी मदीना याद आता है और हमें गम मिलता है तब भी मुस्तफा का मदीना याद आता है। इसलिए कि हम ये मानते हैं कि हमारी कोई भी खुशी हमारी अपनी नहीं होती है, हर खुशी का झोंका गुंबदे खजरा से टकरा के आया। और मर्ज अगर कोई भी लगे, गम कोई भी हो,
तो अपना उसूल हम जानते ये हैं कि उसका इलाज दुनिया के पास नहीं है, उसका इलाज गुंबद खजरा के आका के पास है। हम तो इसी बुनियाद पर नबी नबी करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर आका का नाम लिया करते हैं कि कयामत के दिन जब अच्छे आए तो मुस्तफ़ा हम पापियों को देख के कह दें फरिश्तों आने दो, ये माना कि ये तुम्हारे साथ पारसा है, ये नमाजी जा रहे हैं, ये गाजी जा रहे हैं, ये हाजी जा रहे हैं, ये पारसा जा रहे हैं। काश मुस्तफ़ा हाथ उठा के कह दें फरिश्तों छोड़ दो, जब दुनिया सर्दी में बिस्तर में लेटी थी ये तन्हाई में बैठ करके अपने बिस्तर छोड़ करके मेरे नाम की महफिलें सजा के बैठे थे, इन्होंने सर्दियों में अपना घर बार छोड़ दिया था, आज मैं इनको हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना देना चाहता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब कुबला, महफिले एहसाने सवाब। साहिब, मौत जब आती है तो वो किसी की उजड़ती गोद नहीं देखती, मौत जब आती है तो ये भी नहीं देखती कि बाप के आंसू निकलेंगे, माँ के जिगर पे क्या गुजरेगा, भाई के कलेजे पे क्या होगा। मौत जब आती है तो सारी दुनिया से नजर फेर के सिर्फ अपने मकसद की तरफ आती है। बेशक बेशक, आज तक मौत ने किसी के दरवाजे पे इजाजत नहीं दी, लेकिन हाँ मेरे नबी का वो दरबार है जहां पे मलकुल मौत भी आए तो इजाजत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मगर साहिब याद रखना, जज़ाकअल्लाह, साहिब याद रखना, मौत एक ऐसा दाग है जो हर सीने पे लगा हुआ है, न इसने बादशाह को बख्शा है, न इसने अमीर को बख्शा है, न वजीर को बख्शा है। मौत जब आई है तो बड़े अच्छों अच्छों की आंखों में आंसू दिए, मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो। हमारा मामला तो ये है, अगर भाई की चार बीसे मिल जाए तो हम चार बीसे पे सांप बन के बैठ जाते हैं, मिजाज हमारा सांप बन के बैठ जाते हैं। साहिब एक दिन मरना है, बचना नहीं है, और मौत जब आएगी ना तो एक एक रत्ती का हिसाब अल्लाह लगा। यहां तक फरमाया गया, अगर तुमने चलते फिरते किसी के खेत के धान के पेड़ में से एक दाना तोड़ा, तोड़ के उसे मुंह में रखा, फरमाया गया तुमने छिलका यहां डाल दिया, एक दाने का छिलका दांत में रख देते, मारा सूट के हाथ चल रहे, पता ही नहीं किसकी तोड़ दी, किसकी बर्बाद कर दी, हैं? निकला जा रहा कटियों पे देखो, मेंढों पे धोरे के धोरे साफ में बाली नहीं दिखती, कुछ नहीं मिलता, वही मारा हाथ सट से बाल सूख दी पूरी, चार दाने खाए बाकी फेंक दिए, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना। फरमाया गया तूने मुंह में एक दाना रखा ना और मुंह से छिलका उसका ऐसा फेंक दिया, फरमाया गया छिलका कहाँ फेंका उसका हिसाब अलग होगा और तूने दाना जो खाया उसका हिसाब अलग होगा। तैयारी करें हम मौत की, हम तो बीघे बीघे खा जाते हैं, डकार तक नहीं आती, और सबसे बड़ा हाजी बन के बैठता था बंदा, दूसरों के हक खा के अगर हज किया तो क्या किया, किसी का दिल दुखा के अगर मस्जिद आबाद की तो क्या की, मजा तो तब था किसी का वीरान दिल आबाद कर देता, मजा तो तब था किसी रोते हुए के लबों पे मुस्कुराहट दे देता। हमने तो यहाँ तक देखा लोग चिल्ले कर रहे हैं, एतकाफ में बैठते हैं, एतकाफ में अब्बा बीमार पड़ा बिस्तर पे, वो एतकाफ में बैठा, माँ को दवा की जरूरत है, बच्चा एतकाफ में कुरान पढ़ रहा है रमजान, तुझे क्या लगता है माँ बिस्तर पे दवा के लिए रोती रहे और तू एतकाफ करेगा अल्लाह राजी होगा। रब फरमाता सुन, अगर माँ बाप को सता के तू कोई भी इबादत करेगा मैं सारी इबादत तेरे मुंह पे मारूंगा। अगर इबादत कबूल कराना चाहते हो तो पहले दुखे दिलों का इलाज कर, अगर तुम किसी दिल का इलाज न कर सके तो इबादत अपनी जेब में रख के मर जाओ, रब को तुम्हारी इबादत की जरूरत होगी। ये बात जहन नशीन कर लेना। अल्लाह अकबर, लोगों के हक खा गए, टकारे नहीं आती। मगर याद रखना साहिब, अगर अल्लाह ने मुझे ये तुम्हें पावर दी है तो घमंड न करना, इतना ना मत, अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो ये मत सोच लेना जहां तक नजर जा रही हो सब अपनी अपनी है। कहते हैं ना अमीर के जबर के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं,
ये कहावतें बड़े बूढ़ों में हमने सुनी है साहब। हमें कहा जाता है कब्र के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं होती, तो मैं कहता हूँ साहब एक बात याद रखो, तुम ये मत समझ लेना अगर आज कोई गरीब है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कोई हिमायती नहीं है, उसका कोई हमदर्द नहीं है, ये मत सोच लेना, याद रखना। मेरे आका फरमाते हैं कांटा उम्मती को लगता है तो दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था मेरे सहाबा ऐसी छत पे मत लेट जाना जिस छत की चार दीवारी ना हो, ऐसी छत पे मत लेट जाना जिसकी चार दीवारी रुकावट ना हो। सहाबा अर्ज करते हैं आका किस लिए, मेरे नबी फरमाते हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे, अगर चार दीवारी नहीं होगी तो पैर फिसलेगा, मेरा उम्मती नीचे गिर जाएगा। आका फरमाते सहाबा जब उम्मती नीचे गिरेगा तो उसका हाथ टूटे या उसका पैर टूटे उसको चोट बाद में लगती है, मदीने वाले को दर्द पहले हुआ करता है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे नबी ने उम्मत से इतना प्यार किया, किसी को सताने से पहले 100 बार सोच लेना। माना कि दुनिया में प्रधान प्रधान सब इसके खिलाफ हैं, मगर याद रखना मदीने वाला अपने कमजोर उम्मती के साथ है। और खुद मेरे आका ने फरमाया मैदान कयामत में मैं अपने गरीब उम्मतियों की सफ में खड़ा हूं। ये याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया कयामत में अपने गरीब उम्मतियों के साथ खड़ा होऊंगा। साकी फिर सोचो फिर खुदाई का फैसला किधर जाएगा। अल्लाह का महबूब फरमाता है कि मैं मजलूमों के साथ खड़ा होऊंगा। अब जालिम से हिसाब हो रहा है, जालिम अपने कवा पेश करे, अपनी सफाई पेश करे, कितनी भी सफाई पेश कर ले, मगर फैसला उधर होगा जिधर महबूब खुदा खड़ा होगा। आका फरमाते हैं जालिमों की अलग जमात होगी, मजलूमों की अलग जमात होगी। सुनो, रब का करम उधर बरसेगा जिधर मदीने वाले की नजरें करम पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को सताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन आज पता ही नहीं, नहीं मेड़े की मेड़े हड़प कर जाते हैं। कहते नहीं थे हैं पीछे अब्बा के जमाने में कि नाप ले यार, चार शरीक थे ना, चार बीघे एक एक हो गई, मैं क्यों नापूं, जिसकी ज्यादा है वो तो नापने तैयार नहीं। एक बात बताऊं, एक बादशाह था उसके महल की थोड़ी सी दीवार टेढ़ी हुई थी,